गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शारदीय नवरात्र से रामनवमी तक यूपी में मनेगा नारी सुरक्षा का महापर्व। शक्ति की आराधना के पर्व पर सीएम योगी करेंगे मिशन शक्ति का शंखनाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नवरात्र के वास्तविक भाव को उतारें धरातल पर, महिला सुरक्षा को बनाए जन आंदोलन। एक एक बेटी की सुरक्षा है हमारा संकल्प। स्वामित्व योजना के तहत 10 ग्राम पंचायतों में बनाए घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड का जन प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया वितरण। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, घरौनी से भूमि स्वामित्व का तैयार किया गया है डिजिटल डाटा, जमीनी विवाद से मिलेगी निजात। जिला अस्पताल के समीप कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोले जाने को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ ने किया विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर का भ्रमण। कहा, 24 घंटे जाँच के लिए जल्द खुलेगा कोरोना जाँच सेंटर। जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, जयप्रकाश नारायण के विचारों पर चलकर ही देश बढ़ेगा आगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुआ भारतीय संस्कृति उत्सव समारोह। भारतीय संस्कृति पर हुई चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने महानगर में 22 केंद्रों पर चल रहे कोरोना जांच प्रक्रिया का किया निरीक्षण। कहा, घट रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। रोटरी क्लब के तत्वावधान में गुरु श्री रत्न सम्मान 2020 एवं नेशन बिल्डर अवार्ड 2020 का कार्यक्रम किया गया आयोजित। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी द्वारा 51 शिक्षिका और शिक्षकों को किया गया सम्मानित। जन नायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती के अवसर पर सपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, जयप्रकाश के पदचिन्हों पर चलकर उनके सपनों को करेंगे पूरा। गोरखपुर में रविवार को मिले 170 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,231, एक्टिव मरीज हुए 1558। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जननायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती के अवसर पर नगर विधायक ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, देश की आजादी में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी में शेष बचे पदाधिकारियों का चुनाव परिणाम हुआ घोषित। 10 वर्ष के ऊपर प्रैक्टिस में शंकर सुमन शुक्ल, संतोष कुमार यादव चुने गए उपाध्यक्ष, जबकि 10 वर्ष से कम प्रैक्टिस में प्रवीण कुमार शुक्ला, राजू प्रसाद गुप्ता चुने गए उपाध्यक्ष। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दी अपनी शुभकामनाएं। जिले के 65 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई संघ लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा। शामिल हुए 20,012 परीक्षार्थी, 10,801 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एडीएम सिटी ने दी जानकारी। कायस्थ विकास परिषद के नव नियुक्त पदाधिकारियों का संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कर्तव्यों के प्रति हमेशा रहें सचेत, करें अपने दायित्वों का पालन। और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती के अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर सभा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। कहा, देश को जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने की है जरूरत।